गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव लर्निंग आवर सेकेंड चैप्टर रिलेटेड टू गॉड। और इस कड़ी में हम लोगों ने 5 वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमारा छठा वीडियो है, छठा पार्ट है इस लेसन का। और पैरा नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे थे। होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं हल्के में, कि जो लंच होता है उसकी फसल बर्बाद हो जाती है ओले के कारण। और वो सोच रहा था कि अब इस वर्ष उसे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे उसे एक आशा दिखती है कि भगवान से क्यों ना सहायता मांगी जाए। पूरी रात वो इस आशा के बारे में, इस होप के बारे में सोचता रहा कि मैं भगवान को पत्र लिखूँगा। फिर जैसे ही सुबह होती है वो एक पत्र लिखता है, फिर और उस पत्र को आइए फिर यहाँ से देखते हैं। हाँ, उस पत्र में ये भी लिखता है कि हे ईश्वर, मुझे आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे इस वर्ष, और मुझे मेरे खेत को बोने के लिए और फिर से अपनी जीविका चलाने के लिए 1100 पीजोज की आवश्यकता है। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने यहाँ से देख लेते हैं कि ही रोट गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते तो मेरे परिवार और मैं इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, और मुझे आवश्यकता है 100 पीजोज की अपने खेत की बुआई करने के लिए फिर से, और तब तक जीविका यापन करने के लिए जब तक फसल आ जाती नहीं है, क्योंकि मेरा हेल स्टॉर्म ने, जो ओले ने, वो मेरा सारा फसल बर्बाद कर दिया। आगे आइए, आगे देखते हैं आगे क्या है। ही रोट उसने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर लिखा टू गॉड अर्थात भगवान को। उसने पत्र को लिखा, फिर उसके बाद लिफाफे को लिया और लिफाफे पे लिखा टू गॉड मतलब भगवान को। फिर उसके बाद क्या किया, पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को, उस पत्र को उसके अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी वह परेशान सा है, मतलब वो अभी भी परेशान है। फिर वेंट टू टाउन, फिर वो शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक टिकट चिपकाए, स्टैम्प होता है ना वो जो टिकट होता है, स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक क्या चिपकाया, एक टिकट चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इन टू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। ठीक है, फिर से देखते हैं। उसने लिखा कि उस एनवलप के ऊपर लिखा टू गॉड, और उसके बाद उस एनवलप में उसने उस पत्र को डाल दिया, और उसके बाद वो अभी भी परेशान था, और उसके बाद वो शहर गया, या परेशान होकर वो शहर गया, और फिर वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पे एक स्टैम्प लगाया, एक टिकट लगाई, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता है वन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब एक कर्मचारी जो था, एक कर्मचारी हु वाज अ पोस्टमैन, मतलब डाकघर का एक कर्मचारी जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के काम में भी कुछ हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली, हंसता हुआ, दिल से हंसता हुआ, मतलब बहुत ही खुश, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ वो अपने मालिक, अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम पत्र को उसको दिखाया। ठीक है, भगवान के नाम पत्र को उसने दिखाया। अब वो कह रहा है नेवर इन हिज करियर, देखिए करियर मतलब पेशा, व्यवसाय या सेवा काल होता है, तो अपने इस पेशे में एज अ पोस्टमैन, अपने डाकिये के पेशे में ही नोन दैट एड्रेस, मतलब उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं जाना था, मतलब इतना जीवन, इतना ज़िंदगी उसकी गुजर गई, इतना समय से वो डाकिया का काम करता रहा, लेकिन इतने समय में उसने कभी भी ऐसा पता को नहीं जाना था। तो पोस्ट मास्टर कैसा है, अ फैट, एक मोटा, एनीएबल फेलो, एनीएबल मतलब होता है हसमुख, एनीएबल फेलो मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था और बहुत ही हसमुख व्यक्ति था, वह भी आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा, बट आलमोस्ट, लेकिन तभी
इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने डेस्क पर अपने मेज पर थपथपाते हुए उसने कहा, क्या कहा उसको आगे हम देखते, पहले हम इसको फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। ही रोड टू गॉड, उसने उस पत्र पर लिखा, उस लिफाफे पर लिखा कि भगवान के नाम है पत्र है, फिर उस लिफाफे में उस पत्र को डाल दिया और वो अभी भी परेशान है होकर वो शहर को गया। फिर पोस्ट ऑफिस में उसने एक स्टैम्प खरीदा और उसे टिकट पे लगा दिया, फिर उसे अपनी पत्र पेटिका में डाल दिया अपने पत्र को। फिर उसके बाद जब पत्र पेटिका में डाल दिया तो एक एम्प्लॉय था वहाँ का डाकघर का, उसने जो कि एक एम्प्लॉय था, एक कर्मचारी था डाकघर का, जो कि एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था और पोस्ट ऑफिस के छोटे मोटे कामों में सहायता करता था, वह वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, मतलब भगवान के नाम पत्र कोई लिखेगा ऐसा सोच कर वह हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया और उन्हें भगवान के नाम का पत्र उन्हें दिखाया। अपने इसके बाद कह रहा है कि अपने इस डाकिया के पैसे में उसने कभी भी ऐसे पते को नहीं देखा था। तो उसके बाद जो पोस्ट मास्टर था, उसका बॉस था, वो कैसा था, एक मोटा और एक बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था। जब उसने भगवान के नाम का पता देखा तो वह भी हंसने लगा, और लेकिन वो जैसे हंसने लगा उसके बाद वो तुरंत ही वो गंभीर हो गया और अपने उस पत्र को अपने टेबल पर थपथपाते हुए उसने बोला, क्या बोला आइए देखते हैं। उसने बोला व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश मतलब काश आई हैड द फेथ ऑफ मैन, काश मेरे पास भी वो फेथ होता जो हु रोड दिस लेटर, काश मेरा भी वैसा ही विश्वास होता जैसा ये पत्र लिखने वाले का है, हु रोड दिस लेटर, जैसा विश्वास भगवान में ये पत्र लिखने वाले का है कि वो भगवान से सहायता मांग रहा है, कि उसे विश्वास है कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास भगवान में हो, स्टार्टिंग अप करस्पॉन्ड्स विथ गॉड, ऐसा उसमें विश्वास है भगवान के प्रति। व्हाट फेथ, कितना मतलब बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि कितना विश्वास, कितना अटूट विश्वास है उसका, काश मुझ में भी उस आदमी जैसा ही विश्वास होता जिसने भगवान से स्टार्टिंग अप करस्पॉन्ड्स मतलब होता है पत्र व्यवहार, ये करस्पॉन्ड्स वर्ड अब लेसन सॉरी अपने पिछली कक्षा में पेनपाल मैं आपने ये वर्ड सुना ही होगा, करस्पॉन्ड पत्र व्यवहार, पत्रों का आना जाना, ठीक है। तो देखिए तो वही फिर कह रहा है, वो डाकपाल कह रहा है कि काश मेरा भी विश्वास इस व्यक्ति के जैसा होता जिसने भगवान से पत्र व्यवहार को शुरू किया, ठीक है। फिर उस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, वीडियो बड़ा हो रहा है, 6 पैरा हम कल से स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।